हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वेरी 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाउ टू गेट 90 प्लस मार्क्स इन CBSE बायोलॉजी 12th क्लास पेपर। आप कैसे 90 प्लस मार्क्स ला सकते हो, इसके लिए मैंने एक सैम्पल पेपर लिया है 2020 का, क्योंकि 2020 के अंदर CBSE ने थोड़ा चेंज किया है, पेपर का क्राइटेरिया चेंज कर दिया, और उसके अंदर इस बार आपने देखा होगा MCQs आए थे, ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए थे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर बच्चा बहुत ज़्यादा पजल हो जाता है, क्योंकि अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं तो टीचर लगभग हाफ मार्क्स देने की कोशिश करता है बच्चे को, लेकिन MCQ के अंदर जो राइट आंसर पे आप टिक करोगे, जो राइट आंसर होगा वही उसका आंसर होगा, अगर ABCD में से आपने जो चूज़ किया और जो राइट आंसर है उसी के मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत चूज़ कर लिया तो वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और MCQ की स्टडी करने के लिए आपको पूरी बुक को लाइन टू लाइन स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं सैम्पल, इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं, और वीडियो को आखिर तक देखिए और मैं आपको बताता जाऊंगा अभी किस टाइप से क्वेश्चन को हैंडल करना आपने, किस टाइप से क्वेश्चन को राइट करना आपने, और कौन कौन से क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से राइट करना है। तो लेट वी स्टार्ट। अब ये देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर लिया मैंने Class-12 का, जो CBSE की साइट के ऊपर भी दिया था इन्होंने और मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। तो आप जनरल इंस्ट्रक्शन देखो तो इसके अंदर लिखा हुआ देर आर ए टोटल ऑफ 27 क्वेश्चन एंड 5 सेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। ये जनरल इंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन जनरल इंस्ट्रक्शन कई बच्चे पढ़ते ही नहीं है, वो ध्यान ही नहीं देते भाई कौन कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के कितने हैं, 3 मार्क्स के कितने हैं, और वो क्या करते हैं बच्चे, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर कितने वर्ड्स लिखने हैं वो ये नहीं देखते, क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं पढ़ते, वो क्या करते हैं सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हैं, 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अंदर 2 पेज तो मांगे ही नहीं, उसके अंदर तो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात लिखनी है आपने, किस प्रकार से उसको हैंडल करना, ठीक है। अब देखिए सेक्शन ए कंटेन क्वेश्चन नंबर 1 to 5, यानी कि 5 क्वेश्चन इसके अंदर MCQs आते हैं, 5 क्वेश्चन, 16 चैप्टर हैं आपके 12th क्लास के अंदर, उन 16 में से कितने MCQs आएंगे, ओनली 5, मतलब आपको फर्स्ट चैप्टर से 16 चैप्टर तक लाइन टू लाइन स्टडी करनी पड़ेगी, लाइन टू लाइन स्टडी, एक एक लाइन को आपको पढ़ना पड़ेगा, MCQ कहीं से भी बन सकता है भाई, ठीक है। सेक्शन बी कंटेन क्वेश्चन नंबर 6 to 12, यानी कि 7 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, 6 to 12, 7 into 2, 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 14 मार्क्स होते हैं इन 7 क्वेश्चन से। सेक्शन सी कंटेन क्वेश्चन नंबर 13 to 21, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद सेक्शन डी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के अंदर, केस बेस्ड स्टडी, एक केस दे दिया जाता है, ठीक है, कोई भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन और उससे 3 क्वेश्चन दिए होते हैं नीचे, और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आते हैं ये, आप जो केस स्टडी करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, और अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, बायोलॉजिकल मेंटेलिटी को आपको जगाना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है। और लास्ट सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चन है, सेक्शन ई कंटेन क्वेश्चन नंबर 25 to 27, 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं, और इसके अंदर भी हर क्वेश्चन में चॉइस होती है, यानी कि 3 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 में से आपको कितने करने हैं, 3 क्वेश्चन, 5 मार्क्स, ओके, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स। अब देखिए देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर, हाउएवर इंटरनल चॉइस आर प्रोवाइडेड 2 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, ठीक है, यानी कि MCQ के अंदर भी आपको चॉइस दी हुई है सिर्फ 2 क्वेश्चन के अंदर, 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ 1 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर भी 2 क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस मिलेगी, एंड ऑल 3 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, ऑल 5 क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस मिलेगी। अब इस पेपर को आपको कैसे हैंडल करना है, MCQ को ऐसे करना है, MCQ करने के लिए आप मेरे वीडियो देखते रहिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, जो NCERT कहती है उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइडेड करवा रहा हूँ मैं, आप मेरे वीडियो को देखिए, लाइन टू लाइन स्टडी हो रही है उसके अंदर, MCQs जैसे जैसे चैप्टर पूरा होगा उसके बाद कम से कम 50 to 60 MCQs की एक वीडियो लेके आऊँगा मैं, हर चैप्टर की 50 मार्क्स की,
50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की, और पहले आप उसको सॉल्व कीजिएगा मेरे वीडियो को देखकर, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी आंसर की दूंगा विद एक्सप्लेनेशन, ओके। अब ये देखिए सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रोजन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय कौन से चैप्टर से। सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग। एंड्रोजन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, इसका आंसर होगा बी, लीडिंग सेल्स क्या करती है एंड्रोजन्स को सिक्रेट, जैसे टेस्टोस्टेरोन इज ए मेल हार्मोन, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार नहीं तीन बार पढ़ना है, तीन बार पढ़ना है। जब तक तीन बार पढ़ोगे अपने आप अगर आपका माइंड क्या करेगा, उसको रिवाइज करेगा जो चैप्टर आपने पढ़े हैं, ठीक है। अब इसी का एक चॉइस दी हुई इस क्वेश्चन की, ए प्रोसीजर दैट फाइंड यूज इन टेस्टिंग फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर बट इज ऑल्सो मिजर्स फॉर फर्टिसाइड्स इज, क्या बोलोगे इसका आंसर क्या होगा। आप देखिए एमाइनोसेंटेसिस, ओके। इस टाइप से आपको दिमाग घुमाना है कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सभी क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए हैं। ये एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन दिया है, किसमें से, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर से, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन फिर बायोटेक्नोलॉजी, PBR 322 दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर के ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन, ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट वांटेड टू क्रिएट अ कॉलोनी ऑफ ई कोलाई पॉसिंग द प्लाज्मिड PBR 322। PBR 322 क्या है, प्लाज्मिड पी बॉलीवर रॉड्रिगेज 322। टू साइंटिस्ट वुड डिस्कवर दिस वेक्टर PBR 322। सेंसिटिव इन टेट्रासाइक्लिन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन साइट्स वुड बी यूज टू लाइगेट ए फॉरगन DNA, कौन सी के अंदर होगा, टेट्रासाइक्लिन एम्फिसिलिन क्या है इसके अंदर, सेंसिटिव है। एम्फिसिलिन के अंदर कौन से होते हैं, कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, तो वो आपको पकड़ना है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, अपने को इसमें जाना है एम्फिसिलिन के अंदर कौन कौन से है, बाम H1 है क्या, ठीक है। तो वहीं से पकड़ना है आपको, हाइंड थर्ड है या इको R1 है, PVU है या Sol1 है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने के बाद आपको उसका आंसर आएगा ही आएगा, 100% आंसर आएगा आपको, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हो गए आपके MCQs के, तब तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर MCQs को आप हैंडल करते हो तो 5 into 1 आपके 5 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, ये 5 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, 5 मार्क्स तो आपके पक्के हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 2 मार्क्स के क्वेश्चन की। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में होते हैं। आपको उन क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, अब जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ, हाउ डज एन एनसिस्टेड अमीबा रिप्रोड्यूस ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फीजन फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन दे दिया, बाइनरी फीजन के अंदर से, सिर्फ बाइनरी फीजन को आपको लिखना है। बाइनरी फीजन में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, दो सेल बनती है, दोनों क्या हो जाती है, फिर एक प्रोजेनी के रूप में काम करने लग जाती है, ठीक है। इसी तरीके से 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के। तो अगर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन को हैंडल कर लेते हो, आराम से हैंडल कर सकते हो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को, यानी कि 2 into 7, 14 मार्क्स, ये कहीं नहीं गए, 14 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। अब देखिए, अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक, 21 तक क्या है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, और इसमें 2 क्वेश्चन में क्या दी हुई है आपको, चॉइस दी हुई है। अगर मान लो आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन को इन 21 तक, आप मान लो एक आधे क्वेश्चन में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन के अंदर, फिर भी क्या करेगा टीचर, क्या करेगा, 1 मार्क्स या 0.5 मार्क्स देने की करेगा, क्योंकि जो
जो चेकिंग होती है उसके अंदर हर क्राइटेरिया होता है मार्किंग स्कीम का, हाफ मार्क्स, वन मार्क्स, हाफ मार्क, वन मार्क। तो हाफ मार्क्स टीचर देने की करता है। अगर मान लो दो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन ऐसे दो क्वेश्चन आ गए जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, और आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता भी इस क्वेश्चन के अंदर ये किस चैप्टर से, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उस क्वेश्चन को करना है, उस क्वेश्चन को करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, करना है उस क्वेश्चन को। करोगे करोगे तो टीचर क्या करेगा, हाफ मार्क्स देने की करता है। अगर आपका कंटेंट थोड़ा बहुत रिलेटेड है उस चैप्टर से, उस क्वेश्चन से, तो हाफ मार्क्स आपको मिल सकता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कितने मार्क्स आ सकते हैं आपके इसके। तो यहाँ देखेंगे आप 13 to 14 नंबर कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन, 9 into 3 27। अगर मान लो आपने 27 में से 24 मार्क्स इसके अंदर ऑब्टेन कर लिए, 14 किस में थे, 2 मार्क्स में, 5 किस में थे, MCQs के अंदर, टोटल कितने हुए देखो, 41, 46 मार्क्स तो आपके यहाँ तक हो गए, 21 नंबर क्वेश्चन तक। अब आगे देखिए, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज में होते हैं और इन्हीं क्वेश्चन के अंदर इनका आंसर होता है। तो ये मैं मानता हूँ भी हर स्टूडेंट इन क्वेश्चन के अंदर 3 out of 3 मार्क्स आराम से ले सकता है, आराम से ले सकता है। केस बेस्ड स्टडी है, अपने साइकोलॉजी को जगाना है इसके अंदर, अपने साइकोलॉजिकल आंसर देने हैं इसके अंदर, आपकी मेंटेलिटी कितनी है, उस मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं, आप क्या सोचते हो इस केस के बारे में। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इनको आप कैसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं मानता हूँ बच्चे इसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो 3 into 3 कितने मार्क्स हो गए, ये 9 मार्क्स हो गए, ठीक है। 46 कितने मार्क्स हैं, ये 3 into 3 46 मार्क्स, 9 मार्क्स इसके अंदर आप ले सकते हो आराम से। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 46 plus 9 कितने हो गए, 55 मार्क्स तो आपने यहीं से ले लिए, 70 में से 55 मार्क्स। अब जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े लेंथी होते हैं और उनको हैंडल भी बहुत अच्छे तरीके से करना होता है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे आपको ये बताना चाहूँगा भी क्वेश्चन की फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज पढ़िए, उसकी लैंग्वेज को 3 बार पढ़िए, 3 बार उसकी लैंग्वेज को पढ़िए, क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, आपको वो चीज़ पकड़नी है, आपको वो चीज़ पकड़ कर वही चीज़ आपको अपनी शीट के अंदर लिखनी है, ठीक है। ये नहीं है क्वेश्चन दे दिया मैंने, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ PBR 322 एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ PBR 322, ये क्वेश्चन आ गया। अब बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, वैक्टर से, वट इज़ वैक्टर, वैक्टर की डेफिनेशन लिखने लगे, वट इज़ द यूजेज ऑफ वैक्टर, यूजेज लिखने लगे, टाइप्स ऑफ वैक्टर, टाइप्स ऑफ वैक्टर लिखने लगे, कितने टाइप के होते हैं, प्लाज्मिड, फैगमिड, कॉस्मिड, बैक्टीरियोफेज, इन सभी के नाम लिखने लगे। अरे क्वेश्चन ने मांगा ही नहीं है इतना, क्वेश्चन ने सिर्फ एक लैंग्वेज लिखी है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ PBR 322, PBR 322 का डायग्राम बनाना है आपको, डायग्राम बनाया, डिफरेंट पार्ट को शो आउट किया, नीचे सेकंड में क्या मांगा उसने, राइट द फंक्शन ऑफ PBR 322, सिर्फ फंक्शन लिखने हैं उसके, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। तो इस तरीके से अगर मैं देखूँ बच्चा एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर ना करते हुए भी 3.5 मार्क्स आराम से ले सकता है, 3.5 मार्क्स। तो 3.5 एक क्वेश्चन से आते हैं, 3.5 plus 3.5 कितने हो गए, 10.5, पीछे कितने थे, 55 plus 10.5 कितने हो गए, 65.5 कितने में से, 70 में से, 70 में से आपके कितने मार्क्स आ गए, 65.5। मान लीजिए आपको प्रैक्टिकल के अंदर कोई भी टीचर ने आपको मार्क्स दिए हैं 28, मान लीजिए 25 मान लीजिए, ठीक है।
28 करोगे तो कितने हो जाएंगे ये, 3, 7, 9.5, कितने मार्क्स आ गए आपके, 93.5 मार्क्स आप आराम से ऑब्टेंड कर सकते हो बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में। सिर्फ आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है, क्वेश्चन का क्राइटेरिया देखना है, और उन क्वेश्चंस को लिखने का एक स्टाइल होता है भी, क्वेश्चन को किस टाइप से उसका आंसर लिखना है। अगर ये चीज़ आप सीख जाते हो तो सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो कॉमर्स का सब्जेक्ट है, चाहे वो आर्ट्स का सब्जेक्ट है, चाहे वो साइंस के अदर सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री, उनके अंदर भी ये रूल अप्लाई करके आप आराम से ऑब्टेंड कर सकते हो बढ़िया मार्क्स और बढ़िया परसेंटेज आप आराम से बना सकते हो। ओके फ्रेंड, तो मेरा बताने का आज के वीडियो में यही था भी आप क्वेश्चन पेपर को किस टाइप से सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन पेपर को किस टाइप से सॉल्व करना है, उसको किस टाइप से राइट करना है। ओके फ्रेंड, तो मैं आशा करता हूँ नेक्स्ट जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं वो मेरे इस वीडियो को देखकर अगर बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वो किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर को हैंडल करेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन एंड लाइक ऑल्सो दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड।